आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं नजीर गनाई। जम्मू कश्मीर में सियासी उथल पुथल के बाद इलेक्शंस मुनक्किद किए गए और इन इलेक्शंस में भारी तादाद में जो है लोगों ने शिरकत की, अपनी राय दहानगी का यहाँ पे इस्तेमाल किया। और यहाँ पे हमने देखा कि जो अभी तक प्रोटेस्ट बैलेट्स थे, प्रोटेस्ट जो एरियाज थे, उन्होंने भी खासा वोट किया इस इलेक्शन में। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस को यहाँ पे अच्छी खासी बढ़तरी मिली। और अब जम्मू कश्मीर में कुछ ही दिन के बाद अपनी सरकार होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार होगी। हमने ऑन ग्राउंड जाके ये जानने की कोशिश की कि यहाँ का जो आवाम है, यहाँ के जो बाशिंदगान हैं, उनको क्या तवक्कात है इस सरकार से, और वो जो बनने वाले यानी सीएम डिजिग्नेट है उमर अब्दुल्ला, उनसे उनको क्या तवक्कात है। हम आप तक वो पहुँचाएंगे और लोगों के तासरात और जानने की कोशिश करेंगे। जी, मेरा नाम फिरोज हुसैन है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। तो जहाँ तक नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन का ताल्लुक है, आज तक जो पिछली सरकारें हैं लोगों की काफ़ी ज़्यादा मतलब उनसे नाउम्मीद थे। उन लोग कहीं ना कहीं हद तक वो जो उनने प्रॉमिसेस किए थे, वादे किए थे इलेक्शन से पहले, वो उस पर खरे नहीं उतरे। लेकिन इस बार जो एनसी को मैंडेट मिला है, लोगों की काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है इनसे। और रहा सवाल उमर अब्दुल्ला साहब का, उन्होंने पास्ट में ऐसी कोई कार्यकर्ती दिखाई नहीं जिससे लोग खुश हो सकते थे, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि लोगों ने उसको मैंडेट दिया है तो उसको लोगों का जो मतलब जिस बेसिस पे उसको मैंडेट मिला है उस पे वो खरा उतरे। और लोगों का मतलब इन जनरल जे एंड के स्टेट का भलाई और बहबूदी की ओर ज़्यादा से ज़्यादा लेके चलें, और यहाँ साथ ही साथ जो अमन और शांति है उसका भी ख्याल रखना चाहिए जो करंट गवर्नमेंट है, क्योंकि जो नई जनरेशन है अभी जो थोड़ा सा अभी सुधरने लगी है, तो इसको और भी थोड़ा मतलब पीसफुल एनवायरनमेंट मिले। जी, मेरा नाम अजहर है और मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जिसमें बच्चों को हम सिविल सर्विस की तैयारी कराते हैं। अभी जो ह्यूज मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है, एक ह्यूज मेजॉरिटी के साथ वो आई है, अब एक्सपेक्टेशंस लोगों की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतना बड़ा मैंडेट मिला है वो भी लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे मिला है। उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मुझे लग रहा है कि कोई भी काम करने के लिए उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले स्टेटहुड हमें मिले। तो मैं ये चाहूँगा कि गवर्नमेंट जब फॉर्म होगी, पहले उनका जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये स्टेप होना चाहिए कि पहले हमारे पास स्टेटहुड आए। उसके बाद बहुत सारे मसले हैं, जैसे बेरोज़गारी है एक बड़ा मसला है, और एक अपॉर्चुनिटी उन्होंने जो अपने मैंडेट में दी है लोगों को, उन्होंने जॉब क्रिएशंस के लिए इतना बड़ा उन्होंने ड्यूरिंग कैंपेन बताया है, तो वो सारी ख्वाहिश है वो फुलफिल होनी चाहिए। बट आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उनके लिए बहुत जरूरी है कि पहले स्टेटहुड मिले हमें। चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट उमर अब्दुल्ला अब कुछ ही दिनों के बाद फुल फ्लेज चीफ मिनिस्टर होंगे यहाँ पे। जी जी, तो उनसे क्या लगता है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द बेस्ट टेन्योर फॉर उमर? बहुत अच्छी बात है, उमर अब्दुल्ला एक विजनरी लीडर है जिनका एक अच्छा अप्रोच है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी ग्रो हुए है, बट हमें कोई शक नहीं है उनकी काबिलियत पे। बट जो उनको सपोर्ट की ज़रूरत है सेंटर से, हमारी भी ये ख्वाहिश होगी कि 2019 के बाद से हालात जितने भी सुधरे हैं उसमें सेंटर का कहीं ना कहीं एक स्टेट गवर्नमेंट को एक सपोर्ट मिले, जिससे स्टेट गवर्नमेंट भी आगे जो लोगों को उन्होंने वादे किए वो पूरे कर पाए। आई एम नसीर अहमद खान, आई एम ए बिजनेसमैन, आई एम ए होटलियर, आई हैव अ गुड एक्सपेक्टेशंस। हमें अच्छी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो नई सरकार बनेगी लोगों के जितने भी जो है प्रॉब्लम है उनको एड्रेस करेगी। हाँ, हमें अच्छी उम्मीद है उमर साहब से कि वो अच्छे एज अ रूल करेंगे, गवर्नमेंट करेंगे। क्या करना चाहिए? जैसे उमर साहब ने खुद बताया कि उनको सेंटर के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, कन्फ्रंटेशन नहीं है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना म्यूचुअली, जो भी जिसे लोगों की प्रॉब्लम्स एड्रेस हो जाए। माय नेम इज आमिर एंड आई वर्क हियर इन लाइक काइंड ऑफ वर्किंग इन विद द गवर्नमेंट एजेंसीज एंड लाइक डूइंग द शोज हियर और एंकरिंग और एक्स्ट्रा। Basically, like it is firstly a welcoming step. The elections have been conducted in a very peaceful manner. The government of India has conducted the elections over here, and since we live in a democracy, so everybody has a right to vote. So this time the elections have been conducted, and like expectations are there. Like there are a lot of
situations on the ground, and we hope like Umar Abdullah, like being elected as the chief minister of the state, he has been given the mandate by the people of Jammu and Kashmir, so he will work to the grassroots level of the people. Like, that is the main motive, to look into the deeper aspect of the aspirations of the people of Kashmir. I think Umar Saab has to work for the unemployment of the youth, because if you see the ratio also here, like we top the states that have the highest unemployment over here. That will be a major challenge for the formation of the government. And I would also like to appreciate the LG administration in the last 5-6 years, the development works we have seen here, and we also want that it should go on. The development has been going at a very good pace, and yeah, that is it. मेरा तारुफ है, मैं यहाँ निशात में रहता हूँ, मेरा नाम फारूक साहब है, और गवर्नमेंट के बारे में इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छा हो जाए, क्योंकि लास्ट जो पीरियड गुजरा है तो वो बहुत क्रूशल था यहाँ पर। यहाँ अब एक्सपेक्टेशन करते हैं कि इंशाल्लाह ये जो गवर्नमेंट नहीं बनी है तो हमको इतनी तवक्कात है कि ये अच्छी तरह से लोगों के मसाइल हल करे, और क्या है, और बाकी कुछ नहीं कह सकते हैं। ऊपर वाला मेहरबान अगर हो जाएगा तो इनका भी अच्छा ये वक्त गुजरेगा, अगर ऊपर वाला मेहरबान नहीं हो तो कुछ खास नहीं, फर्क नहीं पड़ेगी कुछ खास। बाकी जो इनका काम है या काज है, जो सेंटर से जो आता है वो वहाँ से इनको डायरेक्शन सारे सेंटर से आते हैं, यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर ये फॉर्मल गवर्नमेंट अब हो जाए, ये डेमोक्रेसी हो गई, बहुत मुद्दत के बाद ये हो गया ये मसला यहाँ पर। इसीलिए अब इंशाल्लाह हमें पूरी तवक्कात है, जब तक ना हमारे अपने आमाल भी ठीक हो जाएंगे तब तक हाकिम भी अच्छा नहीं मिलेगा हमको। ये तो एक बात है, आया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा कि कोहितूर पर कि हमको कहाँ पता चलेगा कि आप हमसे नाराज़ हैं। लोगों से उन्होंने बोला हमको, इनको तीन निशानियां मैं आपको बोलूंगा। पहली निशानी है हाकिम जाबिर आएगा, जब आप नाफरमान हो गए, आप पूरी तरह से इस्लाम पर कायम नहीं रहेंगे तो अब ये हाकिम जाबिर आएगा, और दूसरी बेवक्त बारिश पड़ेगी, फसल सारा तबाह हो जाएगा, और तीसरा ये बोला इन्होंने पॉइंट अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को कि जो ये मसला है, जो कंजूस उनके पास पैसा होगा, मालदार कंजूस होंगे, वो बकील होंगे, वो सखावत नहीं करेंगे, वो कारून की तरह होंगे, हाथमिताई की तरह नहीं होंगे। बाकी क्या अल्लाह ताला इंशाल्लाह, हमारी ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला अब हमारे गुनाहों को अफू करे, और हमारे जो हाकिम आज आए हैं, नए आए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारे सारे जो काम हल कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम जो अपने आफात बलियात से हम सबको महफूज रखें, और हमें यही उम्मीद है, और जब तक ना हम खुद अजाला करेंगे अपने ये कामों वामों का, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। कि डायरेक्शन ऊपर से है, सुप्रीम पावर ऊपर है, ये गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इलाम और अलखन्नास दो वर्ड है, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो किसी को अलखन्नास देता है, वो बुरा काम कर सकता है, अगर इलाम देगा तो वो अच्छा काम कर सकता है। ये ऊपर इन द हैंड्स ऑफ गॉड इज एवरीथिंग, एक पता भी नहीं हिल सकता है उसके इरादे के बगैर। तो बाकी तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं, वो बात नहीं है, ये सारा उसी के सिस्टम से चलता है।